क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² b + 6a² ab² ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम जो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहे थे, इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे थे a³ + 3a² b + 3ab² + bq, ठीक है, इस तरह से लिख रहे थे। लेकिन इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ लिख दिए, ए क्यूब के बाद बी क्यूब को लिखे, और इन दोनों में 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर था तो ए बचेगा और इसमें बी स्क्वायर था तो बी बचेगा। तो दैट मीन्स इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से इस फॉर्मेट में हमको लेकर आना है, ठीक है। तो 8a³ क्वेश्चन में है तो 8 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, 2a³, फिर ये bq हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6, 2 + 12 होता है 6 × 6, तो 6 कॉमन है, a b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 6 × 2 = 12 होता है तो 2a बचा और इसमें b बचा, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे इसको 2a³ + bq, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2a, क्योंकि यहाँ पर a के प्लेस में 2a है, तो यहाँ भी a के जगह पे क्या आ जाएगा, 2a लिखना पड़ेगा। तो 2 को 6 को स्प्लिट कर दिए 3 × 2, क्योंकि 3 तो फॉर्मूला में है, तो 3 × 2a हो गया × b × 2a + b। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर करूँगा तो उसमें ए क्यूब है, यहाँ भी 2a³ है, फिर बी क्यूब है, यहाँ भी बी क्यूब है, फिर 3 यहाँ भी 3 है, फिर ए बी, ए के प्लस में 2a है और b के प्लस में b है, फिर 2a+b। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2a+b³, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 8 का, इसमें माइनस है, दैट मीन्स माइनस का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और लास्ट में माइनस रहता है, इसी को अगर अरेंज करूँ तो a³ फिर -b³ रहेगा, फिर इन दोनों में यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, -3ab, तो ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स a - b³ का फॉर्मूला जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a³ - b³ - 3ab, फिर ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको इसको लेके आना पड़ेगा, ये 8a³ है तो 2a³ हो जाएगा, -b³, इन दोनों में 6ab कॉमन है, यहाँ पे a+ 6 × 12, 2a+b बचा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अब ये 2a³ -b³ और ये 6ab है, तो 6 को लिखेंगे 3 × 2a × b, क्योंकि a का प्लेस में 2a है तो हमको यहाँ पर 2a लाना पड़ेगा और फॉर्मूला में 3 रहता है तो 3 भी लिखना पड़ेगा, (multiply 2a - b). तो ये पूरा जो है ना इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2a - b³ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 8 का, 27 - 125a³ -135a + 225a² तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और ये 125 5 का क्यूब होता है, तो 5a³। तो अभी a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 5a, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, (135) का फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये फैक्टर आ रहा है, और 225 का निकालेंगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 9 = 45, फिर 3 × 3 = 9, तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया और 3 फिर से 3, दैट मीन्स 5 × 9 = 45 कॉमन आ जा रहा है, तो 45 a कॉमन ले लिए, तो 45 × 3 = 135 होगा, तो यहाँ 3 बचा, माइनस है और यहाँ प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा,
फिर 45 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5A। ठीक, तो ये बी का वैल्यू 5A था तो 5A आ गया, ए का वैल्यू 3 था तो 3 आ गया है। ठीक है, अब 45 को हमको 3 × लिखना पड़ेगा फॉर्मूला में सेट करने के लिए। तो ये 45 को लिखेंगे 3 × 5A। और यहाँ पर आ गया 3 − 5A। ठीक है, तो देखो 3 फॉर्मूला में आता है और ये 3 आ जाएगा ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू है 5A, तो 3AB, फिर ब्रैकेट में a − b। तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है a − b³ का। क्वेश्चन नंबर 4, 64a³ − 27b³। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 3b³ हो गया माइनस। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे 4a − 3b, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, 3 × इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, अभी तक दो तीन क्वेश्चन बना के हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर अगर प्लस में रहता है तो सभी प्लस में रहेगा साइन, माइनस में रहता है तो ए और बी को हमको खाली देखना है, फाइंड करना है। पहले ए और बी फाइंड हो गया, मतलब बाकी अपने आप पुट करना है, 3 × ab, फिर a − b, इस तरह से पुट कर देना है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से वापस ए वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हो गया 4a − 3b³ आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 27p³ − 1/216 − 9/2p² + 1/4p। तो 27 3p का क्यूब हो जाएगा 27p³, और 216 किसका क्यूब होता है? से क्यूब निकाल के देखना पड़ेगा, 6 का क्यूब होता है ये। ठीक है, तो ये 1/6³ हो गया। तो अब ए और बी का वैल्यू पता चल चुका है, तो 3 × 3p × 1/6 यहाँ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई फिर 3p − 1/6। ठीक है, इन दोनों टर्म को फिर इस तरह से लिखते हैं, 3ab a − b। अब इनका होल क्यूब बन गया 3p − 1/6³। फैक्टराइज है उसको 3 बार लिख देंगे, फैक्टर हो जाएगा 3p − 1/6, 3p − 1/6। बाकी क्वेश्चन में भी इस तरह से लिख देना, मैं लिखा नहीं था, 3p − 1/6। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज लिखा हुआ है तो कितने फैक्टर बन रहे उसको इस तरह से लिख देना है।